सो टुडेज माई टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके हिस्ट्री के बारे में जाना। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसके टाइप्स कितने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को रेगुलर देखें। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू टू ऑल एंड स्पेशली जो मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आता गया तो वो और उसके अंदर जो भी ड्रॉबैक्स थे वो एडवांटेजेस में बदलते गए। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ 6 भाग में बांटा गया। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, फर्स्ट है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, सेकेंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सिक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि मोटर सर्च लेबोरेटरी के द्वारा 1950 में बनाया गया, जिसका नाम IBM 701 रखा गया। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या सबसे फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता था, इसमें ना कंसेप्ट ये था कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें बैच प्रोसेसिंग सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी ऐसा कंप्यूटर है जिसमें कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक टाइम में केवल एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा। दैट्स मीन्स कि एक बार में एक टास्क, एक जॉब को ही एग्जीक्यूट करेगा। इसमें क्या होता था कि एक बार में एक ही काम प्रोसेस होता था और सीपीयू वेट करता था फॉर नेक्स्ट वर्क के लिए। नौ पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं कि क्या था। फर्स्ट पॉइंट है कि सेट ऑफ जॉब्स विथ सिमिलर नीड्स इज नोन एज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम किसे कहते थे, मतलब कि सेट ऑफ जॉब्स एक समान नीड्स में वर्क करेगा तो वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के नाम से जाना जाएगा, ठीक। और सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा है कि इन बैच प्रोसेसिंग सेम टाइप ऑफ जॉब्स बैच टुगेदर एंड एग्जीक्यूट एट अ टाइम, एक जॉब एक बार में एक ही काम एग्जीक्यूट करेगा। नाउ द थर्ड पॉइंट, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम द सीपीयू इज ऑफन आइडल बिकॉज द स्पीड ऑफ मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस आर स्लोअर देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नेक्स्ट, शेड्यूलिंग इन बैच सिस्टम इज वेरी सिंपल एज जॉब्स आर प्रोसीज्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। बैच सिस्टम में क्या होता था ना, इसका जो शेड्यूल होता था वो बहुत ही सिंपल होता है, जॉब प्रोसेस करता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, मतलब पहले आओ और पहले लो के बेसिस पे काम करता था। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, मेमोरी मैनेजमेंट इज सिंपल एज द मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वन फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर फॉर लोडिंग बैच प्रोसेस प्रोग्राम। मेमोरी मैनेजमेंट इसमें सिंपल वर्क करता था, मेमोरी को दो भागों में बांटा गया, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और दूसरा बैच प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। नाउ इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, कि जॉब को कैसे कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, वो दिखाया जा रहा है। बैच मॉनिटर है, करंट जॉब है एंड बैच है जो कि सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है वो बता रहा है यूजर के अकॉर्डिंग एरिया में। एक जॉब दूसरे जॉब के पास जा रहा है, फिर लास्ट जॉब इन कर रहा है एंड तब तक। ये एक ब्लॉक डायग्राम है और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइल मैनेजमेंट इज अ सिंपल सिंस एक्सेस टू फाइल इन सीरियल। मतलब क्या हुआ, इसमें फाइल को सीरियल में एक्सेस किया जाता है क्योंकि फाइल मैनेजमेंट सिंपल होता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में। इन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम टर्न अराउंड द टाइम जॉब्स इज मोर ड्यू टू स्पीड मिसमैच बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। टाइम केवल ऊपर नीचे हो जाता है कभी, जब कि इनपुट में हम लोग देते रहते हैं, कुछ भी इंसर्ट करते हैं और सीपीयू तक पहुंचने में। ओवरऑल बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि पैरा प्रोसेसिंग सिस्टम। नाउ इसके कुछ एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे, तो हम लोग देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि रिपीटेड जॉब्स आर डन फास्ट इन बैच सिस्टम विदाउट यूजर इंटरेक्शन। किसी भी यूजर इंटरेक्शन के बिना इसमें जॉब्स का जो काम होता था वो फास्ट करता था। सेकेंड पॉइंट, यू डू नॉट नीड स्पेशल हार्डवेयर एंड सिस्टम सपोर्ट
टू इनपुट डेटा इन बैच सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में इनपुट देने के लिए किसी स्पेशल हार्डवेयर का हम लोग को या फिर किसी इनपुट डाटा का हम लोग को जरूरत नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट कि बैच सिस्टम कैन वर्क्स ऑफलाइन सो इट मेक्स लेस स्ट्रेस एंड प्रोसेसर। बैच सिस्टम था जो कि कम समय लेता था किसी भी वर्क को ऑफलाइन मोड में करने के लिए और स्ट्रेस फ्री और प्रोसेसर के लिए यूजफुल था। नाउ शेयरिंग ऑफ बैच सिस्टम्स फॉर मल्टीपल यूजर। शेयरिंग ऑफ बैच सिस्टम क्या था कि मल्टीपल यूजर के लिए शेयरिंग था बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में। इट कैन मैनेज लार्ज रिपीटेड वर्क इजली। ये मैनेज करता था बार बार लार्ज रिपीटेड काम को इजली में आसानी से करने में। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स मस्ट बी ट्रेन फॉर यूजिंग बैच सिस्टम। इसमें क्या था कि कंप्यूटर जो भी ऑपरेट करेगा उसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैच सिस्टम किस तरह यूज किया जाता है उसके बारे में ट्रेंड होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिबग बैच सिस्टम। इसको डिबग करने के लिए बैच सिस्टम को डिफिकल्ट था। एंड द लास्ट पॉइंट कि बैच सिस्टम आर समटाइम कॉस्टली। कुछ समय क्या होता था कभी कभी कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो था वो काफ़ी महंगा था। एंड नाउ सम कुछ नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का कुछ एग्जाम्पल्स क्या था। पहला है कि पेरोल सिस्टम, पेरोल करने के लिए सिस्टम का। फिर बैंक इनवॉइस सिस्टम, ट्रांजेक्शन प्रोसेस में इसका यूज होता था। बिलिंग सिस्टम, बिलिंग किसी तरह का कोई बिलिंग करने में उसमें यूज होता था। और डेली रिपोर्ट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता था बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। सो अभी हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ा कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज के वीडियो का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए इंस्टाग्राम लिंक पे जाके DM कीजिए। मैं आपके नीड्स के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।